सभी को सादर सादर सेवा व्यवहार। मैं अधर्मी नारे डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। तो सर्वप्रथम आज हम हमारे लिंगो टीवी जंगोम मीडिया के देखने वाले सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि वो हमारे इस लिंगो टीवी जंगोम मीडिया को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, ताकि हमारे हर वो नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और रहस्यपूर्ण गुणवाना मैथोलॉजी की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में। आज की वर्तमान समय में एक फिल्म रिलीज हुई है और उस फिल्म के बारे में हमारे आदिवासी संगठन के लोग बहुत उत्सुकता से उसको देख रहे हैं, बहुत उत्सुकता से उसका प्रमोट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, डायरेक्टर की प्रशंसा। और वह फिल्म क्या है, जो साउथ के जो एक्टर लोगों के द्वारा और निर्माता राजा मौली के द्वारा बनाया गया फिल्म आर 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 मूवी, जो हमारे आंध्र और तेलंगाना के क्रांतिकारी उमराम भीमू और राम राजू गोंड के जीवन के उस ऐसे दृश्य को दिखाया गया है, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में, निजाम यानी मुस्लिम शासक के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी और इस देश की आजादी में उन्होंने अहम रोल, क्रांति की विभूल, इस प्रकार से इतिहास रही है। लेकिन आज उस फिल्म को और उस फिल्म में उस हिस्टोरी को यानी उस इतिहास को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मैं अपने लोगों को, तमाम हमारे गोंडियन समुदाय के लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा और कर रहा हूं कि वैसे उस फिल्म में क्या चीज वो हमारी दिखाई गई, थोड़ा बहुत झलक दिखा दिए हमारे लोग, उनके वाहवाही करने लगे और यही हमारी कमजोरी है। कोई भी आके थोड़ा बहुत हमारी प्रशंसा कर दे। आज जब कोई पुरोहित व्यवस्था आई हमारे समाज में और जो पुरोहित आई और इन मनुवादियों ने गांव गांव घूम करके हमारे लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, तो क्या कहते थे, आप तो राजा हो, आप तो दाऊ हो, आप तो मंडल हो, इस प्रकार से हमारे लोगों को चने की झाड़ में प्रशंसा करके हमारी पूरे जल जंगल जमीन, हमारी अस्मिता को लूट ले गई, हमारी गुणवाना की राज रियासत थी वो केवल इतना गर्त में गया, क्योंकि आज हम लोगों को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ गई है। राजा महाराजा जो भी अभी राज परिवार से हैं, उनको भी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ गई है। तो ये जो प्रशंसा सुनने की आदत की वजह से ये हमारी मेन वीकनेस है, क्या है, मेन कमजोरी है। और इसी चीज कमजोरी की फायदा उस मूवी में उठाया था। आज करोड़ों की बिजनेस कर रहा है वो फिल्म। अब दूसरी तथ्य ये कि हम उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, आज की वर्तमान समय में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो मेरे मन में बहुत उत्सुकता था कि जब उस फिल्म की ट्रेलर को दिखाए थे मेरे बच्ची या फिर और मेरे सब कार्यकर्ता लोग बताते थे मेरे को कि ऐसा ऐसा है, इसको यूट्यूब में ऐसा ट्रेलर आया है गोंड की इतिहास, उमराम भीमू और राम राजू की जो स्टोरी को लेकर के, उनके इतिहास को लेकर के यह फिल्म बनाया गया कहके, और ट्रेलर में जिस तरीका से दिखाया जाता था, 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट की जो ट्रेलर में दिखाया जाता था, तो ऐसे लगता था कि कहीं ना कहीं हमारी इतिहास को कोई ना कोई लेखक जो है सामने लाने की प्रयास किया, इसलिए धन्यवाद। जब उत्सुकता थी, फिल्म रिलीज हुई थिएटरों में, तो मैं भी उस फिल्म को देखने के लिए गया और देखा तो लगा कि कहीं ना कहीं उसमें 10% ही वीरता और साहस के बारे में। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से इस फिल्म को देखते हैं
तो आज तमाम बीजेपी के सांसद लोग सदन में इस फिल्म की अनुशंसा कर रहे हैं, फिल्म की निर्माता की प्रशंसा कर रहे हैं और इसको गौण जाति की गौण समुदाय के क्रांतिकारियों के बारे में बनाई गई मूवी का धन्यवाद दे रहे हैं पूरे तमाम बीजेपी के सांसद। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि शक यहीं से शुरू हो जाता है, जो बीजेपी के सांसद, जो बीजेपी कांग्रेस की सांसद, जब आदिवासी समाज के ऊपर जुल्म हुआ, अत्याचार होता है, उनके हक अधिकार को छीना जाता है, सांसद में बोलने की दूर की बात, एक चू तक नहीं कहते, कमेंट तक नहीं कहते, सदन में बोलने की बहुत दूर की बात हो तो। और आज वही बीजेपी और कांग्रेस के सांसद सदन में जाके इस जो RRR मूवी की प्रशंसा कर रहे हैं और फिल्म निर्माता को धन्यवाद दे रहे हैं, तो क्या इसके पीछे क्या है? शंका यहीं से शुरू होता है। हम ये नहीं कहते कि उस फिल्म में दिखाया क्या गया है, 10 मिनट की जो वीरता और साहस के बारे में बताया गया, लेकिन जो 90% जो उसकी वीरता साहस को दिखाया गया, लेकिन जो 90% जो मिर्च मसाला डाली गई है, और कोई भी स्टोरी जो कहानी है, कहानी की सार शीर्षक क्या है? क्या आप बीच की उसकी वीरता को ही सार शीर्षक मानोगे? उसमें ये तथ्य दिखाया गया है कि जो गौंड समुदाय के जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी और निजाम के मुसलमान शासक के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी। पहला बिंदु ये। दूसरी बिंदु कि जो हमारी गौंड समुदाय के जो क्रांतिकारी थे वो रामायण में उल्लेखित श्री राम जी के उपासक थे, ये दिखाने का सीताराम जो राम राजू है उसकी स्टोरी पूरा, वो राम का उपासक और राम के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया। यार इस सब चीज की जो एक सोची समझी प्लानिंग, मैं तो इसको कहूंगा कि ये सोची समझी प्लानिंग है, हमारी गोंड कम्युनिटी के क्रांतिकारी को वैदिक व्यवस्था के मानने वाले बताने की, इनका सोची समझी प्लानिंग है, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, ये हमारे इतिहास के साथ इल्म तो बहुत दूर की बात है, वो तो शिक्षा की सिलेबस, स्कूल की सिलेबस में भी छेड़छाड़ किया है। उसमें अब कुछ वर्षों पहले गोंड लोग गाय मांस खाता था, बीए की फर्स्ट ईयर बुक में छपा था, जिसके विरुद्ध में हमारे गोंड कम्युनिटी के लोग जगह जगह आंदोलन किए, जगह जगह उनका विरोध प्रदर्शन किए, तो उसको विलोपित करना पड़ा। हमारे छत्तीसगढ़ में और कुछ वर्ष, एक वर्ष पहले हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह जी को राजपूत बिंझवार जाति का बताया गया था, फिर हमारे द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तो उसको विलोपित किए। तो आज कहीं ना कहीं ये जो फिल्म के माध्यम से, बुक के माध्यम से हमारी इतिहास को, हमारी जीवन शैली को वैदिक जीवन शैली के मानने वाले, वैदिक देवी देवता के उपासक बताने की इनकी ये सोची समझी प्लानिंग। अगर यकीन नहीं है तो आप उस RRR मूवी को देख लीजिए। मैं इस मूवी को कोई प्रशंसा की मूवी नहीं मानता या ना कोई इतिहास, ये तो हमारे इतिहास के साथ, हमारे क्रांतिकारियों की भावना के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। और आप ये बताइए, जो ये जो मूवी बनी है वो मनोरंजन के लिए बनाया गया है कि इतिहास को दर्शाया जा रहा है? भाई ऐसे फिल्म को तो फिल्म सेंसर बोर्ड के द्वारा बैन लगा देना चाहिए। जो किसी इतिहास, जो किसी क्रांतिकारी की रियल लाइफ को, रियल जो उनकी संघर्ष को इस प्रकार से प्रदर्शित करना और कथा कहानी के रूप में उसको प्रदर्शित करना, इतिहास और कहानी में अंतर है। कहानी जो कल्पना करके गढ़ा जाता है और इतिहास जो रियल होता है, जो वास्तविक होता है। और आज उस हमारे रियल जो क्रांतिकारी थे गोंड कम्युनिटी के, और आंध्र और तेलंगाना के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी,
जन कल्याण के लिए लड़ाई लड़ी, अत्याचार के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को एक धर्म के दृष्टिकोण से, उसको एक वैदिक धर्म के मानने वाले अनुयायी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। ये हमारे लोगों के ऊपर कितना बड़े प्रभाव थे। और इस मूवी की ज्यादा प्रशंसा हमारे जयस संगठन के लोग कर किए, एमपी से जो है मध्य प्रदेश में, तमाम सोशल मीडिया में देखा, मध्य प्रदेश से जितने भी हमारे जयस के बंधु लोग हैं, इन्होंने इस फिल्म को प्रमोट किया। अरे ये वही जयस है जिन्होंने आदिवासी सरकार की बात करके कांग्रेस से विधायक की टिकट मिल के कांग्रेस से विधायक बन गए। और ये वही जयस है जो राम और सबरी की जूठा बैर खिलाते हुए इन्होंने जगह जगह रैली किया था। तो आप बताना क्या चाह रहे हैं कि पूरे हमारे आदिवासी हिंदू हैं क्या? आदिवासी जो वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं क्या? तो इस तरीका से लोगों की भावनाओं को खिलवाड़ करके, लोगों की मान्यताओं को बदल के, आप उनको वैदिकीकरण करने की काम जो इन मनुवादियों का है उसमें आपका अहम रोल है। इसलिए आपकी जो संगठन को मैं नहीं मानता कि ये हमारी जनजातियों के लिए, हमारे मूल निवासियों के लिए के हित में कोई काम कर रही है, तो वैदिक व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। अब जब वैदिक व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं तो हमारी व्यवस्था तो खत्म हो गई ना। हमारे क्रांतिकारियों को वैदिक व्यवस्था के उपासक बताया जा रहा है और ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, उसका प्रशंसा कर रहे हैं, और ये कोई नहीं कर रहे हैं। ये सब जो ये जो राष्ट्रीय राजनीति दल के जितने भी चमचे लोग हैं ये सब चीज कर रहे हैं। आज इन जो सांसदों को जब आदिवासियों की अधिकार छीनी जाती है, आदिवासी को कानूनन जो उनके अधिकार है उनके ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो ये तो चू नहीं करते। और ऐसे क्या बना दिया गया है आर आर मूवी में कि ये लोग सदन में जाके उनकी प्रशंसा करने लगे। ये लोग हमारी लोगों की भावना और मान्यताओं को, परंपराओं को बदल रहे हैं, उसमें ये लोग बराबर के हिस्सेदारी निभा रहे हैं, ब्रोकरिंग का काम कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं, ये जो आरएसएस के लोग चाहते हैं कि इन्हीं के लोग उनको प्रशंसा करे, इन्हीं के लोग आपस में लड़े। तो ऐसे हमारी इतिहास, हमारे क्रांतिकारी की जीवन की जो इतिहास रही है आज तक, तो कोई इतिहास के पन्ने में नहीं लिखा गया है। और ये फिल्म में इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर को कि आप कौन से इतिहास को पढ़ के इस प्रकार से हमारे इतिहास, हमारे जो क्रांतिकारियों की जीवनी को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं? आप किस आधार पे? हम तो, मैं तो खुद इतिहासकार हूँ, तो मैं आपको पूछता हूँ कि आपने कौन से इतिहास को पढ़ के इस हमारे जो क्रांतिकारी है उसके जीवन के ऊपर फिल्म बना दिए? क्या आपकी फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, क्या मनोरंजन फिल्म है, क्या कॉमेडी फिल्म है, क्या है? हमको तमाशा बनाने में लगे। हमारे क्रांतिकारी तो लड़े, शहीद हो गए, आज इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया, लेकिन ये लोग जब गुणवाने की पीले क्रांति पूरे देश में व्यापक रूप से छा गए तो उनको ये हिंदूकरण करने की, वैदिकीकरण करने की, वैदिक व्यवस्था की उपासक बताने की काम कर रही है बीजेपी और कांग्रेस के लोग। और ऐसे फिल्म निर्माता के ऊपर तो केस होना चाहिए, इनका विरोध होना चाहिए जो गलत रूप से हमारे इतिहास को, हमारे क्रांतिकारी के जीवन को प्रस्तुत किया। मैं तो अभी देखे कुछ समय पहले पद्मावती नाम का एक पिक्चर रिलीज हुआ था, करणी सेना ने पूरा जगह जगह विरोध किया। और पद्मावती पिक्चर के जो थी सिर्फ एक घूमर डांस जो थी उस कॉन्सेप्ट को लेकर के करणी सेना ने विरोध किया, राजपूत की जो संगठन थे उन्होंने विरोध किया और उस फिल्म के नाम को बदलवा दिया। तो आज जब ये जो फिल्म में हमारी डायरेक्ट कुमराम भीमू का नाम लिया जाता है, राम राजू का नाम लिया जाता है, क्रांतिकारी वहां की कौन, यानी पूरा उनकी जीवन की जो पूरा उसको बताया जाता है, कल्पना था का कहानी है, तो आप कहानी उसका नाम जो पात्र है उसका काल्पनिक नाम दीजिए, रियल नाम नहीं देना था। अब जब आप रियल नाम दिए हो तो उसका रियल स्टोरी के बारे में आपको मूवी बनाना था, 10% दिखा दिए और रियल स्टोरी, रियल नाम दे, पात्र का नाम रियल दे दिए और स्टोरी काल्पनिक लिख दिए। लोगों के पीछे क्या, हमारी जनमानस के सामने क्या
प्रस्तुत करने की काम क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से जो हमारे साथ षड्यंत्र हो रही है इसके बारे में हमको सोचना है। अगर काल्पनिक कहानी है आर आर मुनी तो काल्पनिक नाम देना था पात्र का नाम, रियल नाम देके काल्पनिक कहानी बनाते हैं। अगर वो राजा मौली साहब थे निर्माता है, कौन से इतिहास को पढ़ के वो कुमराम भीमू और राम राम राजू के बारे में वो बनाया। मैं तो कहता हूं कि इस फिल्म में उसका रियल नाम को बदल दीजिए आप, क्योंकि आप काल्पनिक कहानी लिखे हो तो काल्पनिक पात्र भी लिखो, रियल नाम का इस्तेमाल ना किया जाए। और दूसरी बात, इस फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि ये हमारे लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ है। हमारे इतिहासकार और हमारे इतिहास हमारे क्रांतिकारियों के जीवन का इतिहास को बदलने का और उनको गलत तरीका से पेश करने की इनका साजिश है। तो आज मैं हमारे तमाम दर्शकों से और हमारे तमाम यूनियन समुदाय के लोगों से मैं अपील करूंगा कि जिस इतिहास को हमने पढ़ा और जिस इतिहास को जंगोदाई की जो क्षेत्र है और जहां की तेलंगाना और आंध्र की गोंडी भाषा की मानकीकरण में उनका क्या रहा है, मुख्य माना गया है उस क्षेत्र की भाषा को, और वहीं के इतिहास वहीं के क्रांतिकारी की जीवन राम को पूजने वाला बताया जा रहा है। जहां जंगो माता की जहां गढ़ थी, जहां जंगोदाई ने जहां क्रांति की, जहां जंगो माई की अनुयायी हैं, और वहीं के क्रांतिकारी गोंड कम्युनिटी के क्रांतिकारी जो राम के उपासक बताया जा रहा है इस फिल्म में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो क्रांतिकारियों के इतिहास और क्रांतिकारियों के जीवन को डाइवर्ट करने की उनकी मान्यता को डाइवर्ट करने की साजिश है और इसे फिल्म में तत्काल बैन लग जाए। और आप सभी से मैं सादर सेवा जोहार करता हूं कि ऐसे चीज को जब तक आप कोई भी स्टोरी की सार गर्भित बात सार तथ्य को ना समझे बगैर आप ऐसी चीज का कभी प्रमोट ना करें, कभी इनका प्रशंसा ना करें। 2 मिनट की क्रांति को दिखा देगी लेकिन पूरा 90% जो वहां पे जो मनुवाद की व्यवस्था मनुवाद की जो सोच भरी है उनको आप 10% जो हमारी सही बात नहीं खत्म कर सकते। इसलिए आप सभी से सेवा जोहार, सादर सादर सेवा करवाना। और इस चीज के बारे में आप बिल्कुल अगर आर आर मूवी रिलीज हो गया जो देख रहे हैं वो इस दृष्टिकोण से देखें और समझे और उसके बाद आप लोग सुझाव दें। फिर आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा करवाना, जय लंकेश।